उपराजधानी में इन दिनों हत्याओं का सत्र शुरू है। ये हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में यशोधरा थाना क्षेत्र में चर्चित अपराधी अनु ठाकुर की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि फुकट नगर इलाके में विरोधी गैंग के लोगों ने उसे घेर लिया और हथियारों से उसके शरीर गोद दिया। मृत पाए गए अनु के सर पर पत्थर और ईंटों से वार कर उसे ढेर कर दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि अनु की कई लोगों के साथ दुश्मनी थी। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले भी दर्ज है। उसकी हत्या में सोनू उस्मान अली मक्खन और उनके साथियों का नाम सामने आ रहा है। अनु कुंदनलाल गुप्ता नगर इलाके का रहने वाला है। वह अभी कुछ ही समय पहले जेल से बाहर आया। बुधवार की रात 10 बजे के दौरान अनु फुकट नगर परिसर में घूमने गया था। बताया जाता है कि हमलावर पहले से ही इस इलाके में घात लगाए बैठे थे। सोनू के परिसर में दाखिल होते ही 8 से 10 युवक ने उस पर हमला बोल दिया। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया था, इसलिए भागने का मौका नहीं मिला। पहले धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए गए, बाद में पत्थर और ईंटों से सर फोड़ा गया। अनु को मौके पर ही ढेर किया गया। आरोपी भागने में सफल हो गए। अनु को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। काल दिनांक 3 जून 2020 रोजी रात्रि 10 वाजताच्या सुमारास मृतक नामे अनुज उर्फ अनु सुदामा बघेल उर्फ ठाकूर वय 24 वर्ष हा विटाभट्टी चौक वनदेवी नगरचा राहणारा आहे। हा 16 किंवा 17 मेला हा जेलमधून सुटून आला आणि काल त्याची हत्या झालेली आहे। हत्येचा कारण असा आहे की मोहम्मद कलीम उर्फ मक्खन अन्सारी वल्द सिराजुद्दीन अन्सारी कुंदनलाल गुप्ता नगर याची 1 वर्षापूर्वी याची ॲपॅचे मोटरसायकल ह्या मृतकांनी जाळली होती। जाळल्यामुळे हा जो मोहम्मद कलीम उर्फ मक्खन अन्सारी जो आहे तो त्याची भरपाई मागत होता आणि काल यांचा आमना सामना झाला। तर काल रात्रीसुद्धा मक्खन अन्सारीनी आपला मृतक अनुज उर्फ अनु बघेल ठाकूर याला माझ्या गाडीचे पैसे दे ह्या कारणावरून तिथे वादविवाद झाला आणि ह्याच कारणावरून अनु ठाकूरला मारण्यात आलेला आहे। सर यामध्ये एकूण किती आरोपी आहे आणि मृतकच्या आणि आरोपीचा काही संशय आहे का, अटक केली आहे का आणि काही रेकॉर्ड आहे का, काय सांगते ना म्हणजे? सध्या आम्ही 3 आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। मेहबूब अली युसुफ अली वय 28 वर्ष उस्मान अली युसुफ अली वय 24 वर्ष हे दोघे सख्खे भाऊ आहेत। तसंच मोहम्मद कलीम उर्फ मक्खन अन्सारी सिराजुद्दीन अन्सारी राहणार कुंदनलाल गुप्ता नगर यांना पण आम्ही सध्या ताब्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि आम्ही पुढची कारवाई कायदेशीर कारवाई करत आहोत। सर याचे मृतक आहे यापूर्वीचा काय रेकॉर्ड काय रेकॉर्ड आहे का सांगता एकदम? याच्यातील जो आपला अनु ठाकूर जो मृतक आहे, मृतकच्या बाबतीमध्ये विविध पोलीस स्टेशनमध्ये नागपूर शहरातल्या विविध पोलीस स्टेशनमध्ये गंभीर गुन्हे आहेत त्याच्याविरुद्ध। सर यामध्ये अजून आरोपी असू शकते का? तपासाअंती ते निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे। आणखी आरोपी आहेत किंवा कसे आता आम्ही त्यांचा आरोपींचा आज पिक्चर आम्ही अटक केल्यानंतर त्यांचा PCR घेऊ आणि PCR घेतल्यानंतर तपासामध्ये जे निष्पन्न होईल त्यानुसार आरोपी वाढण्याची सुद्धा शक्यता आहे, नाकारता येत नाही। एक और पुलिस कोरोना के बंदोबस्त में लगे हुए हैं तो दूसरी ओर उपराजधानी में लगातार हत्याओं का सत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक हत्याएं शहर में हो रही है। यह सिलसिला कब थमता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।